हेलो एवरीवन, इस चैनल पर आप लोगों को बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाती है। मेन वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन में आप लोगों को दिखाती हूँ जिस भी स्कूल का जारी होता है। इस बार जो है कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल से वैकेंसी आई है शिक्षक भर्ती 2023-24 के लिए। इसी स्कूल की 5 ब्रांचेस से PRT, TGT और PGT के पोस्ट के लिए अलग अलग विषयों की वैकेंसी है। आपको सभी सब्जेक्ट यहाँ पर नजर आने वाले हैं और इसके अलावा भी जो है कई पोस्ट हैं। फ्रेशर जो है यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। ऑल स्टेट यहाँ पर अलाउ रहने वाले हैं। भारत में किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, आपका सब्जेक्ट आपको यहाँ नजर आता है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने वाली हूँ कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल की मेन वेबसाइट पर जाकर। वैसे इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को मेन वेबसाइट पर ही सारी चीजें दिखाऊंगी। तो सबसे पहले गूगल पर जो है हम लोग सर्च कर लेंगे कैम्ब्रिज स्कूल डॉट एडू डॉट इन। इसको ओपन करने के बाद इसकी मेन वेबसाइट का जो होम पेज है वो ओपन हो गया है, द सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन। तो ये जो है कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल ही है और इसके अंतर्गत जो है वैकेंसी आई है। तो कैसे जो है आप लोग नोटिफिकेशन देखेंगे, तो आप लोगों को ये जो 3 वाइट लाइन दिखाई दे रही है इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने होम, अबाउट, फाउंडर, स्कूल्स, कॉन्टैक्ट, इवेंट, करियर, करियर सेक्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आ जाएगा जहां पर आप लोगों को दिखाई देगा एडवर्टीजमेंट, और जो भी चीजें यहाँ पर लिखी होंगी वही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। यहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन ऑनलाइन। ऑनलाइन ही आप लोगों को फॉर्म फिल करना होगा। क्लिक हेयर टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो क्लिक है इस पर आप जो है क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। उससे पहले जो है हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। अभी जो 5 ब्रांचेज मैंने आपको बताई कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल की, तो एक तो है श्रीनिवासपुरी, दूसरा है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, तीसरा है नोएडा, उसके बाद है इंद्रपुरम और उसके बाद है ग्रेटर नोएडा। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस कहा गया है, बाकी के लिए किसी के लिए भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल की पोस्ट तो बड़ी पोस्ट होती है तो इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। मास्टर डिग्री कहा गया है और साथ में आपके पास BEd होना चाहिए और साथ में एक्सपीरियंस। नेक्स्ट जो है एकेडमिक मैनेजमेंट की है, तो इसमें वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव की, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की है। एडमिनिस्ट्रेटिव की वैकेंसी है। PGT की जो पोस्ट है उसके लिए जो सब्जेक्ट हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर तो आप आगे वीडियो के बने रहें। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी, ये है PGT में सब्जेक्ट। TGT में आप देखें इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है और सोशल साइंस है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। PRT में ऑल सब्जेक्ट टीचर हैं, सभी सब्जेक्ट के टीचर हैं। उसके बाद अदर्स में है स्कूल काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, ड्रामा टीचर, लाइब्रेरी टीचर, इंडियन या वेस्टर्न डांस टीचर, IT सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। तो ये सभी जो हैं आप लोगों की पोस्ट मैंने आप लोगों को दिखा दी है। और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए केवल एक्सपीरियंस मांगा गया है, बाकी किसी के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फ्रेशर एलिजिबल है, जिनके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त अटैच कर दें उसमें अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। PGT के लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएट आपका इन सब्जेक्ट में होना चाहिए, साथ में BEd। PGT के लिए जो है यहाँ पर आपने जो है ग्रेजुएशन लेवल पर इन सब्जेक्ट को पढ़ा हो और साथ में आपके पास BEd होना चाहिए। CTET जो है यहाँ पर नहीं मांगा गया है, ना ही कोई TET की यहाँ पर कोई बात लिखी गई है। PRT के लिए प्राइमरी टीचर के लिए जो है आपके पास 12th और प्लस जो है डिग्री या डिप्लोमा आपके पास प्राइमरी लेवल का होना चाहिए। स्कूल काउंसलर के लिए आपको पता है आपने जो है मास्टर डिग्री अगर साइकोलॉजी में की है और आपके पास जो है काउंसलिंग का डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। स्पेशल एजुकेटर के लिए आपके पास BEd स्पेशल एजुकेशन में मांगी जाती है। और भी पोस्ट हैं, वैकेंसीज फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए भी जो है यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि करिकुलम डेवलपमेंट एक्सपर्ट चाहिए, तो उसमें जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, सोशल साइंस है। उसके बाद जो है यहाँ पर और भी हैं जैसे स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए मैनेजर,
ठीक है। बाकी जो है टीचर्स की जितनी भी वैकेंसी हैं, जो जो सब्जेक्ट की हैं, वो मैंने आपको यहाँ दिखा दी है। ऐसे जो स्कूल होते हैं, कैम्ब्रिज स्कूल जो है वो कोई छोटा स्कूल तो नहीं है, बहुत बड़े स्कूल और बड़े लेवल पर जो है वो काम करता है। सैलरी जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती है। चैनल पर मैं आप लोगों को ऐसे ही जो है, जो प्राइवेट स्कूल हैं, ऐसे स्कूल जिनकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर आपको काम करके बहुत अच्छा लगेगा और जिसका एक्सपीरियंस आपके भविष्य में काम आएगा, तो ऐसे ही जो है वैकेंसी मैं आप लोगों के लिए चैनल पर लेकर आती हूँ, ताकि आप लोगों का फायदा हो सके। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, गवर्नमेंट बेस पर भी आती हैं, तो वहाँ पर भी जो है कई बार क्या होता है कि 2 साल का एक्सपीरियंस ही जो है मांग लिया जाता है, और तब आपके पास नहीं होता है। तो ऐसे में जो ये गुड अपॉर्चुनिटी है, इनको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। जैसे ही वैकेंसी आती है तो आप लोग जो है फॉर्म फिल करें। अभी जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आपने क्लिक हियर पर क्लिक किया तो ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म रहा, सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आपको भरना है, तो यहाँ आप लिखेंगे और सारी डिटेल आपको भरनी होगी। और जो है आप लोगों को ईमेल कर देना है, ये जो एड्रेस लिखा हुआ है careers.sae@cambridgeschool.edu.in, ठीक है, तो इस पर जो है वो आप लोगों को ईमेल कर देना है। बाकी जो मैंने आप लोगों को 5 इसकी जो ब्रांच बताई हैं, तो ये जो है सबसे पहला आ गया है कैम्ब्रिज स्कूल श्रीनिवासपुरी, ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली में है, तो इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी कि ये स्कूल जो है वो कहाँ है। और उसके बाद जो है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो कैम्ब्रिज स्कूल है, तो आप ये देख सकते हैं ये भी न्यू दिल्ली में है, ए ब्लॉक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। तीसरा इंद्रपुरम में जो है वो आप देखें, शक्ति खंड सेकंड इंद्रपुरम गाजियाबाद यूपी, तो ये यूपी में है। कैम्ब्रिज स्कूल नोएडा, तो ये जो है नियर विनायक हॉस्पिटल गौतम बुद्ध नगर सेक्टर 27 नोएडा यूपी। इनकी जो है स्कूल की जो मेन वेबसाइट है वो भी यहाँ पर दी गई है, तो आप डिटेल में जब भी फॉर्म फिल करें तो किसी भी स्कूल की, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उससे पहले स्कूल की जो जानकारी है वो आपको लेना जरूरी है। उसके बाद ग्रेटर नोएडा में जो है कैम्ब्रिज स्कूल ग्रेटर नोएडा 1B इंस्टीट्यूशनल एरिया नॉलेज पार्क 1 ग्रेटर नोएडा यूपी, ये भी यूपी में है। लास्ट जो देहरादून में है तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है, तो ये कैम्ब्रिज स्कूल की 5 ब्रांच मैंने आप लोगों को बता दी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है, आपको सही लगी हो तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ताकि उनको भी जो है इसका बेनिफिट मिल सके। किसी की जो है वो जॉब लगे तो इससे अच्छी बात जो है कोई नहीं हो सकती है। तो डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।